गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए सुबह के नए ब्लॉग के साथ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड में। तो आज होली का समापन है, जिसे यहां छलड़े बोलते हैं हमारे पहाड़ में। तो आई थिंक प्लेन्स में तो सारी होली हो चुकी है, लेकिन आज यहाँ पे लास्ट होली है, 12 बजे होली है। तो आज नहाने धोने का कार्यक्रम होगा, क्योंकि जो हमने गुलाल चढ़ा रखा है ना, वो सब नहा धो के निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी नहा धो। तो गाइस, घर के सभी मेंबर अपने काम में लगे हो रहे हैं। कनवाल जी अपने खाक खो रहे हैं और भाभी जी अपने लगे पड़े हैं कपड़े वपड़े धोने में और साफ सफाई में, और पापा जी लगे पड़े हैं अपने मेरे ब्लॉग देखने में। मेरे ब्लॉग देख रहे हैं पापा जी, क्योंकि पापा जी कहीं चल नहीं पाते ना, तो मैं सोचा क्यों ना इनको घर पे ही ब्लॉग दिखा दूं मैं लैपटॉप में, और ये मेरा ही ब्लॉग चल रहा है। तो यहाँ चलिए हमारी कपड़े की मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा थे, 4-5 दिन के कपड़े स्टॉक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मशीन लगा दे आज। तो गाइस ना, मशीन ने ना आज अहम भूमिका निभा रखी है। इतने कपड़े थे ना, हाथ धोने में वाटर लग जाती है। जय हो शोली तुम्हारी, जो मशीन काम आ रही आज हमारी। तो गाइस, मम्मी के पापा के ना वार्तालाप चल रही है, पता नहीं किस बात पे चल रही है वार्तालाप, समझ से बाहर है। ये देखो अलग ही वार्तालाप चल रही है इन लोगों की। ये देखो इन्हें खा रहे हैं, बोल रहे हैं कितना प्यार है, मम्मी जबरदस्ती खिला रही है, खाओ खाओ रहे, पापा कह रहे मैं नहीं खा रहा हूँ। मुझे बोली बाजू नहाने को नहीं दलिया बना के लेके आई। क्या बना रखा है? दलिया नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में दलिया बना रखा है। चल फिर, बहुत काम है ना? अरे बहुत काम, क्या कहते ले तो खान जाए, खान जाए उसे 3 बन खा लखी, 3 बन खा रखी, खान जाए आपसे। तू कौन सा बाप खाला शक्नी है ते गुण में, ते गुण में खाला शक्नी हूँ तो गाइस ना, मैं आ गया नहा धोने के बाद सीधे घूमने के लिए। तो आज हर घर में ये काम चल रहा है, साफ सफाई का ही चल रहा है। क्यों मामी? मामी तो आनंदगंज, ये सुंदर है ना, हमारी भाभी जी लगी हुई है, हमारी जीवनदार की धर्म पत्नी लगी हुई है अपने। अरे भाभी देखो, देखो भाभी जी देखी हुई घर में यार। ये भाभी जी ने वीडियो में शर्मा दिया, क्योंकि ना अभी नहाए नहीं उन्होंने, सारा गुलाब गुलाब लगा है, भाभी शर्मा रही है में। तो मामी हुई कैसे रही है बात? ठीक रही हुई? बढ़िया बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। क्या कुंचाला हुई में? हुई में क्या कुंचाला? क्यों कुंचाला? क्या कुंचाला मतलब क्या संदेश हुई में? अरे कौन जाने वाले क्या कहते हैं? पाँच लड़ा, आज लड़ा गए हो? आज लड़ा है गए। जो आज बच रहे हैं गिन खाल, क्या खाल? एक गीत सुना दियो। क्या गीत सुना? आज मगर गीत नहीं होना, गीत नहीं होना। आज थोड़ा मार दो, चलो नहीं मानना भाभी जी, हमारे थोड़े जोर एक के यार भाभी जी, मतलब भाई एक जोर मार दे यार, लियो मारो सही क्या को। तो गाइस ना, कल तक यार गांव में इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था ना, आज सब सुनसानी हो गई यार, चारों तरफ सुनसानी हो गई, देख सकते हैं हम लोग, सुनसानी हो गई आज पूरे गांव में। तो दोस्तों ना, आज हमारा काले भी नहाएगा यार, कल इधर देख तू नहाएगा आज, तेरे को किसने लगाया जी? तो आज की नहाने की बारी आ गई आज, ठीक है, छलड़ी है आज, तू भी नहाएगा, ठीक है, पानी गर्म करो उसके लिए। तो कालू का आ गया डव शैम्पू में, तो बताओ हिमांशु नहला रहा है हमारे, हिमांशु कनवाल जी कुत्ते को पूरा नहलाते हुए यहाँ पे सही से नहाने। तो गाइस ना, लंच बन गया हमारा पूरा प्रॉपर तैयार, और ये टपकी, और हमारा लंच आज का पहाड़ी भात दाव। तो दोस्तों ना, मैं आ गया मंदिर में, जहाँ का भंडारा हो रहा था, जो होली के लास्ट दिन ना हमारे यहाँ भंडारा होता है, जो भी हम लोग भेंट देते हैं गांव को, तो उसके बाद ना एक भंडारा किया जाता है हमारे गाँव में, जो कि इस मंदिर में है। सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं इसमें, ये सभी चाचा लोग हैं, भाई लोग हैं, जो मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं भंडारा। पूरे बच्चे आ रखे हैं हमारे, जो बच्चे हमारे गांव के शान हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी। पूरे भाई लोग हैं जो काम करके बैठे हैं अभी, ये भाई लोग जिसे हम चंदा बोलते हैं ना, उसे हम गाँव की भाषा में उसे बिहा बोलते हैं। तो हर घर से जाता है इसमें बिहा चंदा, और इक्वल जाता है, क्योंकि कम ज्यादा नहीं, एक लिमिट होती है चंदा देने की भी, इसमें सभी लोग बराबर देते हैं। और ये जो मंदिर, हमारा माता का मंदिर, ये हमारा ठीक गांव के बीचों बीच में है, और चाचा लोग बैठे हैं हमारे, जो अभी काम धंधा करके, ये देखो सब एंजॉय कर रहे हैं, आज होली का लास्ट दिन है, सब एंजॉय, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और इसी चूल्हे में बना था हमारा आज का हलवा, जो प्रसाद के रूप में बना था, प्रसाद है। और गाँव में सभी भाई लोग आ रखे हैं यहाँ पे, जो अपना अपना योगदान दे रहे हैं, अपने तरफ सहयोग दे रहे हैं। और लोकेशन की बात करें यार, क्या ही बोल लोकेशन की बात। और ये रहा मैं, हमारा भाई, तो ये लोग बना रहे हैं हम लोग अभी। ये बराबर एक बाउल होता है, बराबर बराबर दिया जाता है बाउल में, सभी परिवार को होना चाहिए, जिन्हें कि किसी को दिया, किसी को दिया, हर घर को जाएगा,
में हलवा एक प्रसाद के रूप में होता है और इस प्रसाद का ना बहुत मान्यता होती है, बता दूंगा आपको।